तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy A36 के बारे में, जो कि A35 का नेक्स्ट लाइनअप फोन है और यहां पर जानेंगे इसके फीचर। मेरा नाम है उनीस और आप देख रहे हैं टेक हंगर। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लुक को। तो जो Samsung की A सीरीज है वो पूरी तरह से बॉक्सी पैटर्न के साथ ही आती है, जिसमें कि आपको फ्लैट एज देखने को मिलने वाले हैं और पीछे की तरफ यहां पर दिया गया है ट्रिपल कैमरा सेटअप और नीचे मिल जाती है इसकी ब्रांडिंग। और ये जो फोन है पूरी तरह से ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आएगा, जिसकी वजह से इस फोन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इस फोन के बटन राउंड शेप में हो गए हैं, जो देखने में काफी कूल लगता है। और अब बात करते हैं इसके कैमरा की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर 3 कैमरा का यूज किया गया है। इसका मेन लेंस होगा 64 मेगापिक्सल का और यहाँ पर 2 लेंस और होंगे, जो कि अल्ट्रा वाइड और डेप्थ के लिए यूज किए जाएंगे, जिस पर आप OS के साथ में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक डेडिकेटेड पोर्ट्रेट ऑप्शन भी दिया जाएगा, जिस पर आप 2x जूम करके फोटो कैप्चर कर पाएंगे, जिससे कि जो फोटो है काफी प्रोफेशनल दिखने वाली है। और सामने की तरफ मिलता है आपको 15 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा। इस पर आप एक साथ 2 वीडियो कॉल कर सकते हैं और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दिया गया है फेस अनलॉक का ऑप्शन। और इस कैमरे से भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इस पर मिल जाता है यह इसका सपोर्ट। और Samsung इस फोन में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का चिपसेट, जो कि आपके डेली टास्क के साथ साथ बड़े गेम्स को इजीली हैंडल कर सकता है। और यहाँ पर दिया गया UFS 3.0 का सपोर्ट, इसकी वजह से फोन की जो रीड और राइट स्पीड वो भी काफी फास्ट होगी। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें दिया जाएगा 8 और 12 GB रैम का ऑप्शन, जिसकी वजह से फोन की जो रैम वो काफी एक्सपैंड हो जाती है और एप्स काफी स्मूथ परफॉर्म करते हैं। और एंड्रॉइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ में दिया जाएगा Samsung का One UI, जो काफी ज्यादा रिफाइंड और लैग फ्री हो चुका है। और अब चलते हैं इसके डिस्प्ले पर, जो कि होगा 6.6 इंच का और यह एक सुपर अमोलेड टाइप डिस्प्ले होगा। लेकिन यहां पर इस बार आपको 1 बिलियन कलर देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यह काफी आई कैची हो जाता है। और इसमें दिया गया 120Hz का रिफ्रेश रेट, तो स्मूथनेस भी काफी अच्छी खासी है। और इस फोन को आप आउटडोर विजिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 1300 nits की पीक ब्राइटनेस। और फ्रेंड, इसकी जो स्क्रीन है काफी टफ होगी, क्योंकि यहाँ पर मिलता है वेक्टस ग्लास की कोटिंग, तो फोन गिरने पर आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड, Samsung A36 में एक मैसिव बैटरी ऑफर करी जाएगी, जो की होगी 5000mAh की। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको मिलता है 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और हाँ, नॉर्मल यूजर्स में ये लगभग आपको 2 दिन का बैकअप देने वाली है। सिम ट्री की अगर बात करी जाए, तो उसमें आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, मतलब कि आप यहां पर एक SD कार्ड और एक सिम कार्ड का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से 512GB तक इस फोन की स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे। और अगर Samsung की सिक्योरिटी की बात करी जाए, तो यहाँ पर इसका जो नॉक सिक्योरिटी है वह तो रहेगा ही, लेकिन के साथ साथ यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि ऑप्टिकल होगा, और फेस अनलॉक तो मिलने ही वाला है, जिसकी वजह से इसका जो डेटा है काफी इनक्रिप्टेड हो जाता है। और अब चलते हैं इसके पोर्ट्स की तरफ। तो टाइप सी पोर्ट लगभग सभी फोन में आने लगा है, तो इसमें भी आपको देखने को मिलने ही वाला है। और इसके साइड में दिया गया स्पीकर, जो कि होगा स्टीरियो। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मल्टीपल माइक ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के समय या बात करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली। और वैसे कुछ एडिशनल फीचर की बात करें, तो यह जो फोन है IP67 के साथ आएगा, मतलब कि यह है जो वाटरप्रूफ के साथ साथ डस्ट रेजिस्टेंस भी है। और हाँ, यहाँ पर कई सारे 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, इसकी वजह से इसकी जो नेटवर्क स्ट्रेंथ काफी अच्छी रहेगी। और इसमें इंटरनल 128 और 256GB का ऑप्शन दिया गया है। और फ्रेंड, ये जो फोन है मल्टीपल कलर में आपको परचेजिंग का ऑप्शन देता है, जो काफी डिसेंट दिखते हैं। तो इन सब के साथ में इसका जो प्राइस होगा वो 30 से 35 हज़ार के बीच में होने वाला है। और ये नेक्स्ट ईयर ही, मतलब 2025 में मार्केट में अनाउंस किया जाएगा, जिसको की लॉन्च होने में भी काफी समय है। और अगर आप कोई फ्यूचर में Samsung का फोन प्लान कर रहे हैं, जो की बजट में भी रहे, तो आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू।